स्वागत है आपका कुकिंग एंड हेल्थ केयर आइडियाज पर। आज हम अपनी किचन में बनाने जा रहे हैं एक कटोरी सूजी से बहुत ही टेस्टी चटपटा नाश्ता। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। नाश्ता बनाने के लिए हमने गैस पर एक पैन चढ़ा लिया है। पैन में डालेंगे हम लोग एक चम्मच कुकिंग ऑयल, छोटी चम्मच से एक चम्मच डाल रहे हैं। गैस को ऑन कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। ऑयल गर्म हो जाने देते हैं जब तक हम लोग दो हरी मिर्च को बारीक कट करके रख लेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें हम लोग डालेंगे लगभग आधे छोटे चम्मच जीरा, नॉर्मल जो सब्जी वाला जीरा आता है लीजिए। इसके साथ ही आधे चम्मच हम लोग मस्टर्ड सीड डाल देंगे और इनको भी हम लोग सेक लेंगे। और इसके साथ ही हम लोग एक चम्मच डालेंगे तिल के दाने। हरी मिर्च जो हमने कट करके रखी है जो वो भी ऐड कर देंगे। ये सभी हम लोग बंद कर देंगे क्योंकि ये काफी तेज हो गई है तो चीजें उठते ना, इसके लिए हमें गैस को भी बंद करके रखना है। थोड़ी सी डाल देंगे कसूरी मेथी लगभग आधी छोटी चम्मच। अब हम लोगों ने जो सूजी रखी है एक कटोरी वो इसको ऐड कर देंगे। ये बारीक वाली सूजी है, यदि आप मोटी वाली सूजी यूज करते हैं तो आप उसके हिसाब से पानी लीजिएगा। अब हम लोग इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे दो चुटकी काली मिर्च पाउडर। यदि आप ज्यादा तीखा पसंद करते हैं आप तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर और इसके साथ ही आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। एक चुटकी हींग ऐड कर देंगे और इसके साथ ही हम लोग इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स एक चम्मच भर के। तीखे नहीं होंगे, इससे इसका देखने में बहुत ही अच्छा लुक आता है। आधी चम्मच डालेंगे हम लोग पिसा अमचूर का पाउडर, जिससे ये बहुत अच्छे टेस्टी खट्टे हो जाते हैं। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। लीजिए हमने सभी चीजों को मिक्स कर दिया है। अब हमने जितनी क्वांटिटी में सूजी ली है उससे डबल क्वांटिटी में हम लोग लेंगे पानी। गैस को हमने वापस से ऑन कर लिया है। तो हमने एक कटोरी सूजी ली थी, अब हम लोग इसमें दो कटोरी पानी लेंगे। जस्ट डबल लेना है हमें पानी। और यदि आप मोटी वाली सूजी यूज करते हैं तो आप 1/4 कटोरी पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए, या फिर आप सूजी को मिक्सी के जार में डालकर चला लीजिए जिससे सूजी सॉफ्ट हो जाए। अब इसको स्लो फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए हमें इसका एक अच्छा सा सॉफ्ट सा डो रेडी करना है, जो जब तक करना है जब तक कि ये तली ना छोड़ने लगे और इकट्ठा होकर बीच में ना आ जाए। इसके साथ ही हमने थोड़ा सा धनिया पत्ती कट करके रखी है, दो आलू को बॉईल करके रखा है और थोड़ा सा हमने चीज रखा हुआ है। चीज ऑप्शनल है, यदि आप ऐड ना करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में और घर के ही इंग्रेडिएंट से ये हमारा टेस्टी नाश्ता बनकर रेडी होता है। इसको आप स्टोर करके 2 से 3 दिन के लिए एयरटाइट कंटेनर में फ्रीजर में रख लीजिए। उसके बाद आप डीप फ्राई करके इसको कभी भी यूज कर सकते हैं। तो लीजिए सूजी हमारी पानी सोख रही है तो कंटिन्यू ये थिक होता जा रहा है। लीजिए ये थिक होने लगा है और अब इसको कंटिन्यू आप चलाते जाइए ताकि ये तली में ना चिपके।
बच्चों के टिफिन में भी हम बना कर रख सकते हैं, या फिर सुबह की चाय हो, शाम की चाय हो, कभी भी इसको नाश्ते में ले सकते हैं। देखिए सूजी ने कंटिन्यू चलाते हुए पानी सोख लिया है और बस अब इसको हमारे निकालने का समय आ गया है कि हम इसको बाहर निकालें। थोड़ा लगभग एक मिनट हम लोग इसको और चढ़ा रहने देंगे ताकि ये फिर हाथों पे बिल्कुल भी ना चिपके। लीजिए हमने इसको एक मिनट और कर लिया और ये अच्छे से देखिए हाथों से चिपकना बंद हो गया है। गैस को इस स्टेज पे करेंगे बंद और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। लीजिए इसको हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम लोग इसमें डालेंगे धनिया पत्ती। अभी ये गर्म है, हम हाथों से इसे टच नहीं करेंगे, बस इसको थोड़ा सा हम लोग हवा लगने देंगे ताकि इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर आ जाए और हम हाथ लगाएं तो ये हमें हाथों में गर्म ना लगे। धनिया पत्ती ऐड कर देती हैं और इसी स्टेज पर हम लोगों ने जो दो आलू बॉईल करके रखे हैं वो भी हम इसमें ग्रेट करके डाल देंगे। हमें हाथों से मसल के नहीं डालना है, ग्रेट करेंगे जिससे ये स्मूथली अच्छे से बनकर रेडी हों। लीजिए आलू हमने छील कर रेडी कर लिए हैं और इनको हम लोग इस तरह से ग्रेट कर लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। यदि आप आलू डालना ना चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, इसके बिना भी आपका नाश्ता बढ़िया बनकर रेडी होगा। इसी तरह से हम दूसरा आलू भी इसमें ग्रेट कर लिए। हमने दोनों आलू कर लिए हैं। अब हम लोगों ने लिए हैं ये चीज के दो स्लाइस। इन दोनों को हम लोग पतला पतला नाइफ की हेल्प से कट कर देंगे और इसमें मिक्स कर देंगे। यदि आपके पास मोजरेला चीज हो तो आप उसे डायरेक्ट ऐड कर लीजिए। आज हमारे पास नहीं था इसलिए हमने ये वाला चीज जो हमारे पास घर पर पड़ा हुआ था हमने वही चीज आज इसमें ऐड कर लिया है, क्योंकि बच्चे चीज बहुत पसंद करते हैं इसलिए हमने ऐड किया है। ये रूम टेम्परेचर पर भी आ गया है। अब इन अच्छे से सभी चीजों को मिक्स करेंगे और यदि यह चिपक रहा हो तो आप हथेलियों पर थोड़ा सा एक चम्मच की हेल्प से ऑयल ले लीजिए। देखिए अब ये हमारे हाथों में भी नहीं चिपकेगा और ये अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा। बिल्कुल से ठंडा भी नहीं करना है, नहीं तो ये फिर मिक्स नहीं होगा ढंग से। तो हल्का सा गर्म रहे इतना कि हम हाथ से टच कर पाए। लीजिए इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम लोग इसको देंगे सेब। तो सेब देने के लिए हम एक लेंगे चकला और चकले पर लगा देंगे थोड़ा सा ऑयल। इसको साइड में रख देंगे और इसमें से ले लेंगे हम थोड़ा सा पीस। इससे भी आधा ले लेंगे क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा हो रहा है। इस तरह से हम गोल गोल इसको घुमाकर अब नाइफ के हेल्प से हम इसको कट कर लेंगे। इस तरह से छोटे छोटे पीस में
इस तरह से। आप चाहें तो कोई और भी डिज़ाइन में इसको बनाकर रेडी कर सकते हैं। इसी तरह से हम सभी का शेप सही से कर देंगे ताकि ये देखने में भी उतना ही अट्रैक्टिव लगे और खाने का तुरंत मन करे जैसे ही ये सामने आए। तो चलिए गैस पर कढ़ाई चढ़ा देते हैं और कढ़ाई में हम लोग डालते हैं कुकिंग ऑयल। ऑयल जब तक गर्म होगा तब तक हमारे ये बनकर एक बैच रेडी हो जाएगा। लीजिए इसी तरह से सारे बनाकर रेडी कर लेते हैं। लीजिए कढ़ाई में जो हमने ऑयल डाल के गर्म होने के लिए रखा था वो अच्छे से हाई फ्लेम पर गर्म हो गया है। अब हम लोग इसमें डालेंगे। फ्लेम हमें हाई रखना है क्योंकि ये अच्छे से सिके, ये बहुत ज़रूरी है। फटाफट से डालेंगे ताकि सभी एक साथ सिक कर रेडी हो। अभी इन्हें टच नहीं करेंगे, अच्छे से इनको थोड़ा सा सिकने देंगे, उसके बाद हम इनको उल्टे में कर देंगे। लीजिए इनको सिकते सिकते 2 मिनट हो गए हैं और देखिए ये उठकर अपने आप ऊपर आ गए हैं। अब इस स्टेज पर हम चला लेंगे तो देखिए कितने बढ़िया ये सिक कर हमारे रेडी हो रहे हैं। अभी हमें गैस का फ्लेम स्लो करना है और इनको 3 से 4 मिनट हमें सेकना है। 2 मिनट ये पहले सिक गए हैं, 3 से 4 मिनट अभी हमें और सेकना है ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए। लीजिए ये पूरे 6 से 7 मिनट सिक कर रेडी हो गए हैं। इनको देखिए अब हम निकाल लेंगे। थोड़ा सा तिरछा करके जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो हम लोग निकालेंगे। आवाज़ आपने सुन ही ली होगी जब हमने इनको जरिए से प्लेट में डाला तो कितनी बढ़िया खनकने की हमारी ये आवाज़ आ रही है। इसका मतलब है कि ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनकर रेडी हो गए हैं। एक बैच हमारा सेक कर रेडी हो गया है। अब इसी तरह से हम लोग दूसरा बैच भी इसको सेक कर रेडी कर लेंगे। तो चलिए बाकी के भी हम लोग फ्राई कर लेते हैं। और एक कटोरी सूजी से इतना सारा नाश्ता बनेगा कि पूरा घर इसको खाकर पेट भर लेगा। अभी 2 मिनट हाई फ्लेम रखेंगे, उसके बाद 4 से 5 मिनट स्लो फ्लेम करेंगे ताकि ये अच्छे से अंदर तक सेक कर रेडी हो जाए। लीजिए हमने सेक कर इनको रेडी कर लिया है और देखिए हम एक आपको दिखाते हैं। देखिए कितनी कड़क कड़क आवाज आ रही है क्योंकि ये बाहर से एकदम टाइट है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। देखिए टेस्ट में बहुत अच्छे लगते हैं। सुबह की चाय हो, शाम की चाय हो या बच्चों के टिफिन में रखना हो, कभी भी आप बना कर रेडी कर सकते हैं। इनको आप रेडी करके 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, उसके बाद आप इनको डीप फ्राई करके यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप सभी को आज के स्नैक्स की रेसिपी कैसी पसंद आई मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब। थैंक यू।